हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? एक नए दिन का आगाज करेंगे और आज अपने व्लॉग का हम यहीं से आगाज करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जबरदस्त सी लिपस्टिक्स, जो कि है लिक्विड लिपस्टिक्स। अच्छा, जो कि है बहुत सस्ती और जो कि आपको मिलेंगी क्लेजोना की वेबसाइट पर, और जो कि है बहुत मैट फिनिश वाली लिपस्टिक्स, और जो कि बहुत अच्छी हैं और जो कि बिल्कुल खराब नहीं होती, और जो कि इतनी सस्ती भी और अच्छी भी है। जो यार तो मैं देर किस बात की है, उनके स्वैचेस में आपको अपना लिप्स पर प्यारे प्यारे होंठों पर करके दिखाऊंगी, और कैसे कलर्स है, कैसे शेड्स है, मुझे कैसे शेड्स पसंद है, मैं कैसे लिपस्टिक्स प्रेफर करती हूँ, मुझे कैसे लिपस्टिक्स लगाना पसंद है, लिक्विड लिपस्टिक्स को लगाने का सही तरीका क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में आप डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आपको पता है कि मेरी वीडियो और उसमें फन ना हो, बातें ना हो, गपशप ना हो और हंसी मजाक ना, वैसे तो हो ही नहीं सकता, तो आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आएगा, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। ओके गाइस, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, आई लव यू गाइस सो मच, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सीनअप कुछ इस तरह का है कि हमें क्या चाहिए लिपस्टिक लगाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए ये वैसलीन, ठीक है, बड़ी बॉटल है मेरे पास ये वाली वैसलीन, आप कोई सी भी वैसलीन यूज कर सकते हैं, कोई सी भी, बट वैसलीन मस्ट है, वरना आपके लिप्स जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे। यार गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी है, क्या करूं मैं। अच्छा, फिर आप लोगों को चाहिए माइसेलर वाटर, आप कोई सा भी माइसेलर वाटर यूज कर सकते हैं, बट स्नोस फेवरेट माइसेलर वाटर, और इसके लिए आपको चाहिए वाइब्स, में ये वाली वाइब्स यूज कर रही है, एक ये देख लें बुड्ढी बुड्ढा की तस्वीर बनी हुई है, तो आप लोग कहीं से भी ये वाली वाइब्स ले सकते हैं। ओके, कि मैं मेकअप नहीं करती, यू कैन क्लियरली सी कि मैंने आईज पर फ्लोर मार का ये काजल लगाया हुआ है जो कि मैट फिनिश में है, एंड दैट्स इट। और लिप्स पर भी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, माशाल्लाह लिप्स मेरे पिंक है यार, क्योंकि मैं केयर करती हूँ ना, तो इस वजह से लिप्स मेरे पिंक है, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। अब भी आपके सामने हम सब कुछ करेंगे, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके सो गाइस, सबसे पहले जी मैंने ये लेनी है वैसलीन, और इसको मैंने लगाना है अपने। अच्छा, आप कोशिश करें कि इसको 6 to 8 या 10 seconds तक मस्ट इसको छोड़ें लिप्स पर, ठीक हो गया, यूं कर लें। अच्छा, एक जो है ना आसान से टिप ये है गाइस कि अगर आप लोगों ने लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करनी है लाइक अ प्रो, तो आप लोगों को करना ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपने लिप्स को स्क्रब कर लें। स्क्रब के लिए आप घर में भी स्क्रब यूज कर सकते हैं, शुगर लें, हर घर में चीनी तो होती है, तो शुगर लें, शुगर के अंदर कोई कोकोनट ऑयल डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें, कोई सा भी ऑयल डाल लें, उसको हल्का सा मिक्स करें, लिप्स को यूं करें, स्क्रब हो गया तो डेड स्किन उतर जाएगी, लिक्विड लिपस्टिक और मतलब बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाएगी। तो मैं जी इसको कर रही हूं साफ जो पे, ये देखें ये क्लेजोना की लिपस्टिक, ये क्लेजोना की लिपस्टिक। सबसे पहले मैं पिंक से स्टार्ट करूंगी, विच इज दिस शेड, वेरी प्रिटी शेड गाइस, 533 इस शेड का नंबर है, क्लेजोना की ये लिपस्टिक है, तो चलें जी लगा। Wow! Pretty, pretty shade. वो कौन सा गाना था, लबों को लबों। अच्छा एनीवेज, होंठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, समझ रहे हो, ये अच्छा। आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है लिक्विड लिपस्टिक लगाते टाइम, कि आप लोगों ने नेचुरल लाइन को फॉलो करना है, वो जो ओवरबोर्ड जाकर लिपस्टिक लगा लेती है लड़कियां, दैट लुक सो बैड एंड वियर्ड गाइस, प्लीज अपनी नेचुरल लाइन को फॉलो करें। ऐसा है कि लिक्विड लिपस्टिक लगाने के बाद आप लोगों ने लिप्स को जोड़ना नहीं है, 5 to 6 seconds तक इसको ड्राई होने दें। Look at this, how it turned out to be pink lips, pink lips, pink lips, pink.
अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। बड़ी ही प्यारी लग रही हैं गाइस। नेचुरल ऐसा हो जाता है। So this is the pink shade. Is shade का number है जी, Clazona 553. Move on चौदा। मैं थक गई। The shade है जी 511. This is so pretty shade. Orangish, rustish, very beautiful shade. तो इसको remove करेंगे हम। या लिक्विड लिपस्टिक उतारना इज वेरी ओखा काम। इस वीडियो के बाद मेरे लिप्स बड़े सूखा पापड़ी बन जाएंगे, वो जो चाट के ऊपर डलती है। ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, इन लिपस्टिक्स की एक बात अच्छी है कि ये उतरती भी बड़े आराम से हैं। तो कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ना जो बहुत तंग करती है, उतरते इनके नाक पे भी लगा दी मैंने। कहां मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये सब कुछ होता है गाइस, एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है। प्लीज लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जल्दी जल्दी। इस दिन का वो देखिए स्वॉच लगा हुआ है, उस दिन का बहुत प्यारा शेड आया। जस्ट आई एम इन लव विद दिस शेड, आई एम इन लव विद दिस शेड, यू नो। मेरे कपड़ों के साथ भी मैच हो रहा है। नाइस। दिस लुक सो प्रिटी एकदम से, लाइक यू नो लुक पॉप अप। हालांकि कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट काजल है, ठीक है। स्किन केयर की थी मैंने, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड दैट्स इट। कोई मेकअप कुछ नहीं, नथिंग। तो आपने जस्ट लिपस्टिक लगाई एंड यू आर रेडी टू गो। कोई मेकअप मत करें गाइस, लिपस्टिक लगाएं, काजल लगाएं, अच्छी सी स्किन केयर करें, स्किन अच्छी लगेगी, स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। तो यू डोंट नीड अ मेकअप। मैं बार बार आप लोगों को यही बात कहती हूँ, ये देखे मेरे कपड़ों के साथ भी मैच हुई। ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा उतारने का दिल भी नहीं कर रहा यार। जितना कैमरे पे प्यारा लग रहा है उतना ही रियो में भी प्यारा लग रहा है। दिस इज सो गाइस प्रिटी कलर, और इसको मेरा उतारने का दिल नहीं कर रहा। नहीं जाओ, बस वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, बस मेरा नहीं दिल कर रहा था। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नेचुरल लाइन ये देखे, इसमें ज्यादा प्यारी लिपस्टिक बनी है। देखे ये नेचुरल लाइन है, मेरे पतले पतले होंठ है। ये देखे दिस इज लाइक आई नेचुरल लाइन। ये देखे ये एंड दिस इज आई लाइक आई नेचुरल। तो This is my lips. You can clearly see. Yeah. So guys, कभी हम उस पे भी बात करेंगे कि ये जो लड़कियां टीके लगा के, पता नहीं वो लिप फिलर्स करवा के होंठों को इतना सुजा लेती हैं, वो इतनी मुझे जहर लगती है, इतनी मुझे बुरी लगती हैं। सो खैर, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बट इट लुक्स सो बैड। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है, अल्लाह ताला ने आपकी जैसे फीचर्स बनाए हैं, तो आप लोगों को उसमें अपनी कारीगरी करने की जरूरत नहीं है। इससे अल्लाह ताला नाराज भी होता है, और दूसरी बात यह है कि ये चीजें सही भी नहीं है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इनके बैड होते हैं, बुरे होते हैं। और दूसरी बात ये कि नेचुरल इज नेचुरल, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, बी नेचुरल। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सो ये देखिए, मैंने अपनी नेचुरल लिप लाइन को फॉलो किया है एंड इट टर्न्ड आउट सो प्रिटी। तो क्या जरूरत है होंठों को सुजाने की, यूं करने की, ठीक है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। केस चक्कर है, बस कर दे लाया तो बोला शुरू दे। नाम 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 नाम, चलें जी नेक्स्ट करते हैं लिपस्टिक ट्राई। पहले इसको उतारते हैं, ये अच्छे ने 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 ना ऐसे उतार के देखिए उतरेगी। हाँ यार, दीज लिपस्टिक्स आर सो गुड गाइस। इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक्स आती हैं, मेबेलिन की हो गई और हुदा ब्यूटी की देखिए आप। अब हम अपने नेक्स्ट शेड की तरफ चलेंगे, जो कि है मेरा मोस्ट फेवरेट शेड 547। इट्स लाइक वेरी मजेंटा कलर, वेरी ब्यूटीफुल कलर। तो इसको अप्लाई करते हैं।
ये वाली, इससे आने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी है. लुक एट दिस प्रेटी गर्ल, कितना प्यारा शेड है वो. आई पे आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं. इट लुक्स सो सो प्रिटी गाइस. आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और ये वाला शेड लगाया हुआ, आ हा हा हा, क्या बात है. तो यार अच्छा एक बात इन लिपस्टिक्स की ये खास है कि मैं लगा रही हूँ उतार रही हूँ बट मेरे लिप्स उस तरीके से ओवर ड्राई नहीं हो रहे, और ड्राई हो रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन जिसे होता ना ओवर ड्राई हो जाए वो नहीं हो रहे. सो दिस लुक्स सो प्रिटी, व्हाट अ प्रिटी शेड, बहुत प्यारा शेड है माशाल्लाह. देखें आपने कोई मतलब मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, बट स्टिल एक लिपस्टिक लगाई और आहा हा, यू आर गुड टू गो. वाओ, कमेंट्स में जरूर बताने कि आपका फेवरेट शेड कौन सा है गाइस. अब हम दो लिपस्टिक्स और ट्राई करेंगे जो कि है न्यूड साइड पे, वरना यार अगर मैं इनकी सारी शेड रेंज लगाने बैठी तो फिर तो जी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे. ये शेड्स, बाकी ये वाले जो इनकी कलेक्शन है ना, ये वाली, ये मैं फिर आप लोगों को किसी और दिन बताऊंगी दिखाऊंगी. इतना प्यारा और हसीन ये शेड है लिपस्टिक का गाइस, ये भी मेरे कपड़ों के साथ बहुत अच्छा जा रहा है और ये बहुत अच्छा है. यार मेरी चेयर भी नहीं सही हो रही, अजीब. तो खैर ये देखिए गाइस ये कितने मजे का शेड है. ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी तरह न्यूड शेड ज्यादा पसंद है, पिंक रेड और इसके निस्बत अच्छा रेड लिपस्टिक्स, मैंने कुछ लिपस्टिक्स मैंने ऑर्डर की हुई है हाई एंड ब्रांड की गाइस, काफी एक्सपेंसिव. सो वो जब आ जाएंगी, अभी तक मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, तो वो आएंगी तो मैं आप लोगों को वो वाले कलर्स भी ट्राई करके दिखाऊंगी. आजकल मेरा रेड लिपस्टिक लगाने का बड़ा दिल कर रहा है, बोल्ड लिप्स की तरफ मेरा जाने का बड़ा दिल कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी रेड लिपस्टिक, यू नो आई डोंट हैव एनी. सो मैं वो लगाऊंगी जब वो आएगी, बट नाउ यू कैन क्लियरली सी हाउ प्रिटी दिस शेड लुक्स. चलिए नेक्स्ट शेड की तरफ जाते हैं. शेड आप लोगों ने भी कहा होगा शुक्र है. चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छा मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, मैं साथ साथ बात कर रही हूँ, बट आप लोग इसको 10 सेकंड्स के लिए जरा ड्राई होने दें, मैट होने दें, फिर आप लोग अपना मुंह खोलें, क्योंकि मैं मुंह खोली जा रही हूँ तो मेरे दांतों पे भी लगी जा रही है. बट इट्स ओके, मैं तो आप लोगों के लिए लगा रही हूँ ना, कौन सा मेरे घर में लिपस्टिक लगा के बैठे रह रहे 24 घंटे. नो, आई एम नॉट वन ऑफ दोस. बट यार गाइस ट्रस्ट मी, कुछ ना करें, कोई मेकअप ना करें, लिपस्टिक लगाएं, लाइनर लगाएं, मस्कारा भी लगा लें, मस्कारे से जरा अच्छी लुक आती है, मस्कारा भी लगा लें, यू आर गुड टू गो. बट गाइस दिस शेड इज माय मोस्ट फेवरेट. अच्छा आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने न्यूड शेड्स में ये ब्राउन टोन्स में जितनी लिपस्टिक्स है ये बड़ी तेज लगाई है, क्योंकि इन पे मेरी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं ज्यादा यूज ये करती हूँ. जो मैजेंटा कलर था, ऑरेंज कलर था, रस्ट कलर था, पिंक कलर था, ये जरा मैंने आराम से लगाया कि यार एकदम कहीं आगे पीछे ना लग जाए, लाइन से बाहर ना चला जाए. देखिए वी आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, दिस इज नेचुरल. लेकिन आप लोगों ने बस इस बात का ख्याल रखना कि आप लोगों ने नेचुरली अपनी लिप लाइन को फॉलो करना है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो यू कैन यू नो आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं. वाइप्स होती ही इसीलिए है, जो मैंने वाइप का हाल किया है वो आप लोगों ने भी करना है और अपने लिपस्टिक्स को ठीक करना है. ठीक है, आप लोगों ने बड़ी टाइटी तरीके से लिपस्टिक लगानी है ताकि वो प्यारी लगे, बुरी ना लगे. सो गाइस यू कैन क्लियरली सी दिस शेड हाउ प्रीटी इट लुक्स. ओके सो गाइस मैंने ना कल की थी क्लींजिंग और हल्के सा मैंने ना स्क्रब कर लिया था दोबारा से, तो मेरी स्किन हल्की हल्की सी रेड आप लोगों को कहीं ना कहीं से नजर आ रही होगी लाइक दिस, यू नो ये देखें ये रेड हो जाती है. ठीक है, ये रेड स्पॉट्स जो है ना वो अक्सर आ जाते हैं जब मैं ज्यादा क्लींजिंग या स्क्रब करती होती हूँ तो, बट वो खुद ही चले जाते हैं बिकॉज मेरी स्किन अल्ट्रा 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 सेंसिटिव है. इसीलिए तो मैं मेकअप शेकअप से भी अवॉइड, इसमें मैं मुंह घुसेड़ घुसेड़ के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कोई फिल्टर नहीं है गाइस. ठीक है, फिल्टर इस वीडियो में बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को ये बिल्कुल नेचुरल लिप शेड्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल,
कोई इसमें फिल्टर नहीं है। अगर आप लोगों का इरादा हो क्लेजोना की लिपस्टिक्स बाय करने का, तो आप लोगों को क्लियरली ये इस चीज की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इस वीडियो में फिल्टर नहीं है। आप लोग इजीली शेड देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लिप्स पर ये लगने के बाद कैसा लगेगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। ओके, अगर आप लोगों की फेयर स्किन है, मेरी स्किन के हिसाब से मतलब लाइक मेरी स्किन जैसी स्किन है आपकी, मतलब कलर मेरे जैसा है मेरा मतलब यार, तो आप लोगों के भी होंठों पर ये ऐसी ही शेड देगा, क्योंकि इस वीडियो पे कोई फिल्टर नहीं है गाइस। तो ये था जी मेरा आखिरी शेड जो कि मैंने ट्राई किया। शेड्स और भी हैं जो मैंने उस दिन मंगवाए थे वो भी हैं मेरे पास, बट गाइस फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सच्ची बताऊं मैं अभी थक गई हूं तो लिपस्टिक्स लगा लगा कर। गाइस आप लोगों ने मुझे बताना है कॉमेंट्स में कि आपकी फेवरेट लिपस्टिक कौन सी है, क्लेजोना की लिपस्टिक्स कौन सा यूज करता है, और मुझे बताएं कि जो सस्ते ब्रांड्स है क्लेजोना की तरह और अच्छे ब्रांड्स है वो और कौन से है, मतलब क्रिस्टीन की लिपस्टिक्स आप लोग मुझे बताएं वो कैसी है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी ट्राई करूं तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो, अगर प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। आई लव यू गाइस सो मच, बाय।